भरत शत्रुघ्न की वापसी। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहाँ का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएँ जनशून्य क्यों हैं? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुलनाद क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रसाद में पहुँचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहाँ न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुँचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ, वे वहाँ नहीं है, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मान तक आघात लगा। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना भागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की शुश्रूषा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ है माता? क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोले, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हे राम हे सीता कह कहकर विलाप करते रहे और करते ही करते परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मेरे महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन अत्यंत व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिनी माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा तुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भागिनी जैसा व्यवहार करती थी, फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा
उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया और राम के वियोग में पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे उधर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग कर सकता तो क्या हुआ? अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ, मैं विष खा लूँगा या वनों में राम को ढूंढते ढूंढते हुए प्राण त्याग दूंगा। यह तुमने कैसे बुला दिया कि एक पशु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है? मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चल दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, यह तो मेरी अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया है, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। इन उनके शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हो? जो कुछ भी हुआ वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है, उनके बिना अयोध्या का तो क्या? यदि त्रैलोक्य का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूँगा। राम के वन में यदि मेरी शैल लेश मात्र भी सहमति हो तो मुझे रौरव नरक मिले, इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित हो गए, कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के अयोध्या कांड भाग 21, भरत शत्रुघ्न की वापसी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।